नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल निस्वार्थ ज्ञान पर। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 5 सितंबर 2024 को पड़ रही है गुरुवार। दोस्तों, यह जो गुरुवार है भाद्रपद महीने में पड़ने वाला सबसे बड़ा गुरुवार है, क्योंकि भाद्रपद महीने के बाद भाद्रपद का गुरुवार पड़ रहा है, जिसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो कि गुरुवार का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वह सात दूर्वा वाला उपाय है। तो दोस्तों, इस भाद्रपद के गुरुवार के दिन आप लोगों को इस सात दूर्वा वाले उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया, उन्होंने किसी भी दिन, दोस्तों आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है जो कि 5 सितंबर गुरुवार के दिन है, तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे साल भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस भाद्रपद महीने के गुरुवार के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है, जिस उपाय को आप आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह इस भाद्रपद महीने के गुरुवार के दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह भाद्रपद महीने के दिन एक छोटे से उपाय करने से आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना, आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है, उसका कुछ भी कारण हो सकता, जैसे पितृ दोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उस दिन पर इस उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है, और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बद बारे में बात करते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। तो दोस्तों, इस सात दूर्वा वाले उपाय को हमें इस गुरुवार के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, यह सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो यह वीडियो देख खगा भाई, उसको दूर्वा वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन दूर्वा का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए सात दूर्वा की, तो यह सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस गुरुवार का। तो अब दोस्तों, इस सात दूर्वा वाले उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग अब बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहे तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है इस वाले उपाय को, तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने ने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई वह भी कर सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है, और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह यह वाला उपाय ना कर पा रही हो, तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस सात दूर्वा वाले उपाय को कर सकता है।
चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों, इस दूरवा वाले उपाय को हमें करना कहां पर है? देखो, हमें शिवलिंग के पास में जाकर करना है। बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं, हर एक उपाय को करते समय क्या हम इस उपाय को घर पर या मंदिर में कर सकते हैं? देखो, तो इस वाले उपाय को आप मंदिर में करोगे तो अच्छा रहेगा, घर पर नहीं करना है इस वाले उपाय को। उसके बाद में दोस्तों, जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वह यह आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हम किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है? तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस सात दूरवा वाले उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप शाम के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर सुबह के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह यह आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना, बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो, ठीक है? इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों, अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय है होता है वह शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है, मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है यह समय प्रदोष काल का समय होता है। पर अभी जो मौसम चल रहा है, इस मौसम में जो है शाम बहुत देरी से होती है, तो आप इस उपाय को 7 हार या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो, मतलब शाम के 6 हार बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। परंतु गुरुवार प्रदोष के दिन कोशिश करना कि समय के अंतर्गत ही कर लो, किसी कारणवश ना कर पाओ तो थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। देखिए, इस वीडियो में जितने भी उपाय हम आपको बताएंगे सभी उपाय सरल है। देखो, गुरु जी ने कहा है कि गुरुवार प्रदोष के दिन आपको सात दूरवा वाला उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए। वीडियो के अंतिम में आपको उपाय बताया है जो आपको करना है। देखो, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक जरूर करें। देखो, सबसे पहला उपाय, यदि आपके जीवन में कर्जा बहुत अधिक है, आपके जीवन में संकट बहुत अधिक रहते हैं, आपके ऊपर बहुत अधिक विपदा आ रही है, बार बार आपको अपने व्यापार में और अपने धन में हानि देखने को मिल रही है, यानी कि आपको प्रत्येक कार्य में हानि हो रही है, तो आपको यह उपाय करना चाहिए। इस उपाय को करने के लिए आपको दो चीजों की आवश्यकता होगी। सबसे पहले है दूरवा। दूरवा आप जानते हो, जो कि भगवान गणेश जी को समर्पित होती है, तो आपको वह दूरवा की आवश्यकता होगी, साथ ही में एक लोटा जल की आवश्यकता होगी। और आप जब भी उपाय को करें, जी दिन भी आपको करें, तो आपको प्रातः कल सुबह सुबह ही सुबह करना है, इस बात का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है, ठीक है? तो आपको एक दूर लेनी है, अगर आधा दूरवा भी मिल जाती है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको दूरवा लेनी है। अगर ज्यादा ना मिले तो उसे स्थान पर एक दूरवा भी ले सकते हैं, दूरवा आपको आसानी से कहानी पर भी मिल जाएगी। बस याद रखिएगा, शुद्ध दूरभाइये, और मतलब उसे शुद्ध करके ही उपयोग में लीजिएगा, है ना? तो आपको करना क्या है, एक दूरवा या एक से ज्यादा भी दूर हुआ आप लोग ले सकते हैं तो एक दूरवा अपनी ले लीजिए। एक दूरवा के साथ में आप एक लोटा जल ले लीजिए और इन दोनों ही चीजों को लेकर शिवाजी के मंदिर पहुंच जाइए। शिवाजी के मंदिर पहुंचकर सबसे पहले आप शिवाजी के पास में बैठ जाइए। शिवाजी के पास में बैठने के बाद जो शिवाजी की शिवलिंग होगी, शिवलिंग की ऊपर सबसे पहले आपको यह दुर्भाग्य को समर्पित करना है। दूरभाग को कुछ इस प्रकार से समर्पित करना है कि जो दूरवा की दांडी का मुख होगा वह जलधारी की तरफ हो, जहां से जल नीचे करता है ना? और जो दूरवा का मिला हुआ भाग होगा वह अपने आप शिवाजी के पीछे की तरफ हो जाएगा, ठीक है? तो इस प्रकार से यह दुर्भा का यह दूरवा आपको भगवान शिवाजी की शिवलिंग के ऊपर समर्पित करनी है, और जो एक लोटा जल आप अपने साथ लेकर आए हैं, इसी दूरवा के ऊपर भगवान शिवाजी की शिवलिंग के ऊपर एक धारा से आपको समर्पित कर देना है, ठीक है?
अब यहां पर देखने बात यह है कि यह उपाय इस व्यक्ति को करना है। जी व्यक्ति की नौकरी एन गए रही हो, जो व्यक्ति परीक्षा में पास होना चाहता हो, तो इस व्यक्ति को अपने हाथों से इस उपाय करना है, तभी उपाय कम करेगा। ठीक है, इस उपाय को करने के बाद आपको 3 महीने उपाय आपको कब तक करना है, जब तक कि आपकी नौकरी ना गजाए। जब तक आप इस उपाय को नियम के साथ करो, आपकी नौकरी जरूर लगेगी। अब बात करते हैं दूसरे उपाय के बारे में। तो देखिए, दूसरे उपाय जो है, देखिए, इस उपाय के लिए आपको मात्र 1 लौंग का जोड़ा लेना है, यानी कि 2 फूल वाली लौंग लेनी है। साथ में आपको मात्र थोड़ा सा शहद लेना होगा और इसी के साथ में आपको तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना होगा। अब देखिए, इन सभी सामग्रियों को लेकर के आपको भगवान शिव के मंदिर में पहुंच जाना है। देखें, यह उपाय आप सुबह से लेकर शाम तक कर सकते हैं। तो वह सबसे पहले तो आपके पास जो 2 फूल वाली लौंग है, उन्हें आपको शहद के अंदर अच्छे से डुबो है, यानी कि दोनों लौंग पर आपको अच्छे से शहद का लेपन कर देना है। अब आपको जो आपके पास 1 लोटा जल है, सबसे पहले तो उसे शिवलिंग पर धीरे धीरे समर्पित करना है और श्री शिवाय नमस्तु भयम इसका जाप करते हुए समर्पित कर देना है। अब आपके पास जो 2 फूल वाली लौंग है शहद से, उसे आपको शिवलिंग पर अर्पित करना है और आपको प्रार्थना करनी है कि जीवन में जो रोग की स्थिति है वह समाप्त हो, जीवन के जो संकट और समस्याएं हैं वह सभी समाप्त हो, जीवन से जो कर्ज की समस्या है वह समाप्त हो। इस प्रकार से प्रार्थना करते हुए यह जो 2 फू वाली लौंग ही शहद संयुक्त, इससे आपको शिवलिंग पर अर्पित कर देनी है। आपकी जो भी समस्या होगी इस गुरुवार के दिन अवश्य ही समाप्त हो जाएगी। तो इस प्रकार से आपको पहला उपाय करना है। अब हम बात कर लेते हैं दूसरे उपाय के बारे में। देखिए, देखो यह उपाय आपके लिए सर्वश्रेष्ठ होने वाला है। देखिए, इस उपाय के लिए आपको मात्र 5 हरे मूंग, हरे मूंग के दाने आपको साबुत लेने हैं, खंडित नहीं होने चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। और इसी के साथ मैं आपको 1 तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से शुद्ध जल ले लेना है। अब दोस्तों, इन सभी सामग्रियों को लेकर के आपको सीधे पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए, इस उपाय को भी आप सुबह भी कर सकते हैं और शाम के समय में भी कर सकते हैं। देखिए, भगवान शिव के मंदिर में पहुंचने के बाद आपके पास जो 5 हरे मूंग हैं, उनमें से पहला जो हरा मूंग है, आपको शिवलिंग के सामने जो नंदी महाराज होते हैं और उनका जो पैर उठा हुआ होता है, वहां पर आपको पहला हरा मूंग समर्पित कर देना है और आपको ओम नमः शिवाय इसका जाप कर लेना है। फिर आपको दूसरा हरा मूंग लेना है और शिवलिंग पर जो श्री गणेश जी वाला स्थान होता है, वहां पर आपको यह दूसरा हरा मूंग समर्पित कर देना है, यानी कि शिवलिंग के सीधे तरफ आपको यह दूसरा हरा मूंग समर्पित करना है और फिर आपको ओम नमः शिवाय या फिर श्री गणेशाय नम इसका जाप कर लेना है। तीसरा हरा मूंग का दान आपको भगवान शिव की सबसे प्रिय पुत्री माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित करना होगा। शिव की जो जलाधारी होती है, जहां से जल बह करके आता है, उसी जलाधारी के बीच में जो कहीं कहीं उठी हुई लाइन होती है सांप की आकृति के रूप में, वहीं पर आपको तीसरा हरा मूंग समर्पित करना है और फिर आपको ओम नमः शिवाय इसका जाप कर लेना है। अब दोस्तों, चौथा जो हरा मूंग है, उसे आपको भगवान कार्तिकेय जी का जो स्थान होता है शिवलिंग पर, वहां पर आपको यह चौथा हरा मूंग का दाना समर्पित कर देना है और आपको ओम नमः शिवाय इसका जाप कर लेना है। अब दोस्तों, आपके पास जो पांचवा और अंतिम हरा मूंग बचा हुआ है, उससे आपको उससे जल के पात्र के अंदर डाल देना है और इस हरे मूंग से युक्त जल से आपको भगवान शिव के शिवलिंग का अभिषेक कर देना है। जल आपको बिल्कुल धीरे धीरे समर्पित करते जाना है और लगातार आपको शिव महापुराण के मूल श्री शिवाय नमस्तु भयम इसका जाप करते रहना है। फिर आपको शिवलिंग के सामने बैठकर, यदि आप अपने बच्चों के लिए यह उपाय कर रहे हैं, यदि आप अपने बच्चों की बुद्धि ज्ञान और विवेक के लिए उपाय कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको प्रार्थना कर लेनी है, या फिर व्यापार में वृद्धि करने के लिए यह उपाय कर रहे हैं तो उसकी कामना करते हुए आपको प्रार्थना कर लेनी है, या फिर अपनी नौकरी के लिए कर रहे हैं, या फिर अपने इंटरव्यू के लिए, या फिर धन की प्राप्ति के लिए कर रहे हैं, जिस भी कामना के लिए आप उपाय कर रहे हैं उसे परिपूर्ण करने के लिए आपको महादेव से प्रार्थना कर लेनी है और फिर आपको वापस अपने घर आ जाना है। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि जो भी व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है तो यकीन मानिए आपके जीवन की जो सारे संकट कष्ट और बाधाएं ही वह सभी समाप्त होंगे। अब हम बात करते हैं
अगले उपाय की इस उपाय के लिए आपको एक दीपक लेना है। दीपक आप मिट्टी का भी ले सकते हैं और शुद्ध आटा मढ़कर उसका दीपक भी आप तैयार कर सकते हैं। दीपक के अंदर गोल बाती का प्रयोग करना है और दीपक के अंदर आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना है। इसी के साथ में आपको मात्र एक फूल वाली लौंग लेनी होगी। अब यह एक दीपक और एक फूल वाली लौंग लेकर के सीधा आपको पहुंचना होगा बरगद के वृक्ष के वहां पर। देखिए, सबसे पहले तो आपके पास जो एक फूल वाली लौंग है उससे आपको बरगद के वृक्ष की जड़ में समर्पित करना है। देखिए, अगर आपके जीवन में कोई भी बड़ा संकट आने वाला है, कोई भी बड़ा कष्ट आने वाला है, तो वह इस उपाय के माध्यम से दूर होने वाला है। महादेव की विशेष कृपा रहेगी कि जो भी संकट आपके जीवन में आने वाला होगा वह भी दूर हो जाएगा। तो आपको एक लंग समर्पित करनी है बरगद के वृक्ष की जड़ में, और वहीं पर आपको जो है गोल बाती वाला दीपक जो आप लेकर के गए हैं उससे भी वहां पर प्रज्वलित कर देना है वट केयर करते हुए। देखिए, जब भी आपको जीवन में इस साल लगने लगे कि आपके जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, तब भी आपको ई उपाय करना है। तो इस प्रकार से आपको यह उपाय करना है। अब हम जान लेते हैं चौथे विशेष उपाय के बारे में। देखें, यदि आपके विवाह में शादी में कोई भी समस्या आ रही है, यदि आपका जो कर्ज है वह दिन पर दिन बढ़ते ही जा रहा है, तो आपको यह चमत्कारी उपाय करना चाहिए। कोई भी समस्या अगर जीवन में है तो उसे दूर करने के लिए आपको ई उपाय उपाय करना चाहिए। मंगल दोष से जुड़ी हुई समस्या भी है तब भी आपको यह उपाय करना चाहिए। देखिए, इस उपाय के लिए आपको एक तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से शुद्ध जल लेना है और इसी के साथ में आपको एक छुटकी लाल चंदन लेना होगा। अब आपको क्या करना है कि जो लाल चंदन आपने लिया है उसे आपको उससे जल के पात्र के अंदर डाल देना है, और यह जल्द जो है आपको लाल चंदन से युक्त तैयार कर लेना है, और यह लाल चंदन से युक्त जल आपको भगवान शिव के मंदिर में लेकर के पहुंचना है। लेकिन यह उपाय भी आप सुबह से लेकर के शाम तक कर सकते हैं। अब दोस्तों, यह जो लाल चंदन से युक्त जल है इससे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर धीरे धीरे अर्पित कर देना है और आपको लगातार श्री शिवाय नमस्तुभयम इसका जाप करते रहना है। देखिए, यदि आपके जीवन में विवाह से युद्ध समस्या चल रही है तो आपको मंगलेश्वर महादेव का स्मरण करना है, और जीवन में अधिक कर्ज की समस्या है तो आपको आरण्य मुक्तेश्वर महादेव का स्मरण करना है। देखना, एक दिन आपकी सब तरह की समस्या जल्दी ही समाप्त हो जाएगी। तो इस प्रकार से आपको यह चौथा उपाय करना है। अब हम जान लेते हैं अंतिम और पांचवें उपाय के बारे में। देखिए, गुरुवार का दिन है और हनुमान जी भगवान शिव के रुद्र अवतार हैं, तो यह उपाय और भी खास हो जाता है। तो यह जो उपाय है विशेषकर आपको हनुमान जी के वहां पर ही करना होगा। देखिए, जब भी आपको ऐसा लगने लगे कि आपके जीवन में जो कर्ज है वह समाप्त ही नहीं हो पा रहा है, दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहा है, कष्ट जो है वह दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं, कष्ट जो है वह समाप्त ही नहीं हो पा रही है, यानी कि जीवन में जब भी कोई विपदा आती है, संकट आता है, तो हमें संकट मोचन हनुमान जी के मंदिर में जाना चाहिए। लेकिन यह उपाय बहुत ही खास है। इस उपाय के लिए आपको एक चौमुख दीपक तैयार करना होगा। आपको एक दीपक लेना है। दीपक के अंदर चार बाती आई। बाती के लिए आपको मोली वाला धागा आता है, कलावा का उसकी भी बना सकते हैं, या फिर आप सफेद रुई की जो बत्तियां हैं उन्हें भी बना सकते हैं। अब आपको लेना है एक कटोरी सरसों का तेल, और अब इस दीपक के अंदर या तो आपको चमेली का तेल डालना है, या फिर जो आपने एक कटोरी सरसों का तेल लिया है उसमें आपको सरसों का तेल डालना है, और इसी के साथ में आपको मात्र एक फूल वाली लौंग भी लेनी है। देखिए, अब जो यह दीपक है और लौंग है, इन दोनों का आपको हनुमान जी के मंदिर में लेकर के पहुंचना है। अब सबसे पहले तो ये जो चौमुखी दीपक है इसे आपको हनुमान जी के सामने प्रज्वलित करना है। दीपक को प्रज्वलित करने के बाद आपको वहीं पर एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है, या फिर आप आरण मोचक मंगल स्त्रोत का पाठ भी कर सकते हैं। अब आपके पास जो एक फूल वाली लोग है उनसे आपको अपने सीधे हाथ में रखना है। आपको प्रार्थना करनी है हनुमान जी से कि जीवन की जो भी संकट है, विपदा है, वह सभी आपकी कृपा से दूर हो, और यह जो एक लौंग है इससे भी आपको उससे चौमुखी दीपक के अंदर डाल देनी है और अपनी मनोकामना बोल देना है। गुरु जी कहते हैं कि कुछ दिनों में ही आपकी सब मनोकामना पूरी हो जाएगी। तो इस प्रकार से यह सुंदर सा और सरल सा उपाय करना है।
देखो आज की वीडियो में हमने आपको जितने भी उपाय बताए हैं सभी उपाय बहुत ही सरल है जो आपको करने हैं। देखना आपके जीवन के साथ संकट और कष्ट दूर होंगे। और गुरु जी ने कहा है कि गुरुवार के दिन आपको चौमुख दीपक वाले उपाय को आपको अवश्य ही करना चाहिए। इससे आपके जीवन से चारों तरफ से आने वाले संकट दूर हो जाएंगे। अब भगवान गणेश की कृपा 12 राशियों में से 6 राशि वालों पर होने वाली है। दोस्तों इन 6 राशि वालों पर भगवान गणेश बहुत अधिक प्रसन्न हो गए हैं। अब इन 6 राशि वालों के जीवन में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं रहेगी। आपको बता दें कि भगवान गणेश अब इन 6 राशि वालों पर अपनी अत्यधिक कृपा बरसाने वाले हैं। जी हां दोस्तों, इस प्रभाव से इन 6 राशि वालों के जीवन में अपार खुशियां ही खुशियां आने वाली हैं। इन 6 राशि वालों के जीवन के सभी दुख दर्द और कष्ट मिटने वाले हैं। इन 6 राशि वालों को भगवान गणेश के आशीर्वाद से अपने जीवन में अनेकों प्रकार के लाभ धन लाभ और बड़ी बड़ी सफलताओं की प्राप्ति होने वाली है, जिससे इन 6 राशि वालों का जीवन बदल जाएगा। दोस्तों जिन खुशनसीब भाग्यशाली राशियों के बारे में हम बात कर रहे हैं उन खुशनसीब और भाग्यशाली राशियों पर भगवान गणेश की कृपा होने वाली है। और इन खुशनसीब और भाग्यशाली राशियों में से जो पहली राशि है वो है मकर राशि वालों को बता दें, आपके ऊपर भगवान गणेश जी की अपार कृपा दृष्टि बनी रहेगी जिससे इन्हें धन लाभ प्राप्ति होने की संभावना है। आपको बता दें मकर राशि के लोगों को व्यापार और व्यवसाय में वृद्धि होगी। जो लोग नौकरी करते हैं उन्हें पद में तरक्की मिलेंगी। जो लोग विदेश में रहकर नौकरी करना चाहते हैं या पढ़ाई करना चाहते हैं उन लोगों को विदेश में नौकरी और पढ़ाई करने की संभावना बन रही है। साथ ही साथ मकर राशि के लोगों की आय में वृद्धि होगी। जो लोग व्यापारी हैं उनको व्यापार में ज्यादा मुनाफा होने की संभावना बनी हुई है। आप अपने सभी कार्य को सफलतापूर्वक पूरा करेंगे। भगवान गणेश जी की विशेष कृपा मकर राशि वालों आपके ऊपर बन रही है जिससे आपके जीवन के सभी दुख दर्द और कष्ट मिटने वाले ही और आपको अपने जीवन में मिलने वाली है अपार खुशियां ही खुशियां, जिससे मकर राशि वालों आपका जीवन बदल जाएगा। जी हां दोस्तों, इस लिस्ट में जो अगली राशि आती है वो है मेष राशि। मेष राशि वालों को बता दें भगवान गणेश की कृपा से आप लोगों के लिए समय बहुत ही अब अच्छा आने वाला है। जी हां दोस्तों, भगवान गणेश आपके ऊपर बेहद प्रसन्न है। आपके मान सम्मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी मेष राशि वालों, जिसकी वजह से ही समाज में आपकी प्रशंसा की जाएगी। और आपको बता दें कि भगवान गणेश की कृपा से आपको अब सफलता की नए अवसर प्राप्त होने वाले हैं। इन अवसरों को प्राप्त करके आप अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें जो भी आपके रुके हुए कार्य थे वे अब समय पर पूरे होने लगेंगे। आपको बता दें कि जो भी कार्य आप शुरू करना चाहते हैं उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। जी हां दोस्तों, भगवान गणेश जी के आशीर्वाद से इन राशि वालों की आय के साधनों में वृद्धि होगी। जी हां दोस्तों, भगवान गणेश जी के आशीर्वाद से आपको धन लाभ प्राप्ति के अनेकों अवसर प्राप्त होंगे। आपके घर परिवार में खुशनुमा माहौल रहेगा। साथ ही साथ आपके कारोबार में वृद्धि होगी। सामाजिक क्षेत्रों में सफलता प्राप्त होगी। अचानक से धन लाभ प्राप्ति के योग्य बन रहे हैं। साथ ही साथ यदि आप नया वाहन या मकान खरीदने को लेकर कोई योजना बना रहे हैं तो यह योजना आपकी अवश्य ही सफल होगी। भगवान गणेश की विशेष कृपा मेष राशि वालों आपके ऊपर बन रही है। समय अब आपके पूर्णतः पक्ष में है। समय का आप भरपूर लाभ उठाएं और समय को अपने हाथ से न जाने दें। जी हां दोस्तों, इस लिस्ट में जो अगली राशि आती है वो है कन्या राशि वालों। आपको बता दें न केवल आपको धन लाभ होगा बल्कि आपके व्यापार में खूब वृद्धि भी होगी। इसके अलावा जो लोग नौकरी करते हैं उन्हें नौकरी में पदोन्नति के साथ साथ वेतन वृद्धि के पूरे योग बन रहे हैं। साथ ही साथ जो लोग विदेश में नौकरी करने का सपना देख रहे हैं उनका ये सपना पूरे होने के योग बन रहे हैं। भगवान गणेश की विशेष कृपा कन्या राशि वालों आपके ऊपर बन रही है। साथ ही साथ जो लोग व्यापार करते हैं उन्हें व्यापार में अधिक मुनाफा होगा। धन लाभ प्राप्ति के अनेक अवसर कन्या राशि वालों अब आपके ऊपर बन रहे हैं। साथ ही साथ जो लोग संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं उन्हें संतान प्राप्ति का सुख प्राप्त होगा और साथ ही साथ उनके घर परिवार में खुशनुमा माहौल रहेगा। प्रेम संबंध मजबूत होंगे। साथ ही साथ आपके सभी कार्य सफलतापूर्वक पूरे होंगे।
साथ ही साथ जो लोग नया वाहन या घर खरीदने की योजना बना रहे हैं तो यह योजना भी इनकी अवश्य ही सफल होगी। भगवान गणेश की आपके ऊपर कृपा दृष्टि बनी हुई है, आपके समस्त मनोकामनाएं पूरी होंगी और भगवान गणेश की कृपा से अब आपको अपने जीवन में अनेकों प्रकार के लाभ और धन लाभ और सफलताओं की प्राप्ति होने वाली है, जिससे कन्या राशि वालों आपका जीवन बदल जाएगा। जी हां दोस्तों, इस लिस्ट में जो अगली राशि आती है वो है सिंह राशि। दोस्तों सिंह राशि वालों को बता दें, भगवान गणेश जी की कृपा से आपके लिए समय अब बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। आपको बता दें, आपको ना केवल मान सम्मान मिलेगा बल्कि समाज द्वारा आपकी काफी तारीफ भी की जाएगी। इसके अलावा आपको अपने जीवन में ऐसे नए अवसर मिलने वाले हैं जिससे आपके जीवन में अच्छा बदलाव होगा। जी हां दोस्तों, भगवान गणेश की कृपा आपके ऊपर बन रही है, इसके साथ ही साथ आपको काफी धन लाभ भी होगा। जहां एक तरफ परिवार में खुशियों का माहौल बना रहेगा, वहीं दूसरी तरफ व्यापार में वृद्धि होगी। सिंह राशि वालों, अब आपको चारों तरफ से लाभ ही लाभ मिलने वाला है। भगवान गणेश की कृपा आपके ऊपर बन रही है, साथ ही साथ जो लोग नौकरी करते हैं उन्हें नौकरी में पदोन्नति के साथ साथ वेतन वृद्धि के पूरे योग हैं। सिंह राशि वालों, आपको बता दें, भगवान गणेश की कृपा से अब आपके लिए धन प्राप्ति के अनेकों अवसर प्राप्त होंगे, जिससे आपका जीवन बदल जाएगा और आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। इसके साथ ही साथ आपके घर परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा। जो लोग संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं उन्हें संतान प्राप्ति का सुख मिलेगा, जिससे घर परिवार में खुशियां ही खुशियां होंगी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें, भगवान गणेश की कृपा से सिंह राशि वालों, अब आपके जीवन में आपको अपार खुशियां ही प्राप्त होंगी, जिससे आपका जीवन बदल जाएगा। कहना गलत नहीं होगा, भगवान गणेश के आशीर्वाद से अब समय आपके लिए पूर्णतः पक्ष में है। हां दोस्तों, इस लिस्ट में जो अगली राशि आती है वो है वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों को बता दें, अब भगवान गणेश जी की कृपा से आपको बहुत जल्द कोई शुभ संदेश मिलने के योग्य बन रहे हैं। दोस्तों, आपके द्वारा की गई मेहनत का अब आपको फायदा प्राप्त होगा। आपको बता दें, भगवान गणेश जी की कृपा से आपकी आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर होगी, आपके रुके हुए कार्य अब सफलतापूर्वक बनेंगे, दोस्तों के साथ मेल जोल बढ़ेगा, साथ ही साथ इस राशि के लोगों को अनेक प्रकार के लाभ, धन लाभ और बड़ी सफलताओं की प्राप्ति होने वाली है। जी हां दोस्तों, आपको परिवार और जीवन साथी का पूरा सहयोग प्राप्त होगा, आपकी मधुर वाणी की वजह से आपके सभी कार्य पूरे होंगे। भगवान गणेश की विशेष कृपा आपके ऊपर बनी हुई है, जिसकी वजह से आपकी धन संबंधित जो भी परेशानियां हैं वे सभी परेशानियां दूर होंगी, और साथ ही साथ जो भी कार्य आपके सालों साल से रुके हुए थे वे कार्य अब आपके सफलतापूर्वक पूरे होंगे। दोस्तों, आपको बता दें, भगवान गणेश की विशेष कृपा वृषभ राशि वालों आपके ऊपर बन रही है, आप दिन दुगुनी रात चौगुनी तरक्की करेंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे, और आप अपनी सफलताओं के अब झंडे गाड़ देंगे, जिसे दुनिया आपका जलवा देखेगी। कहना गलत नहीं होगा, भगवान गणेश जी के आशीर्वाद से अब आपके लिए यह समय बहुत ही अच्छा समय साबित होने वाला है। दोस्तों, इस लिस्ट की अगली राशि जानने से पहले, अगर आपने अभी चैनल द प्राचीन जानकारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे कि ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो आपको समय पर मिलती रहे। दोस्तों, इस लिस्ट में जो अगली राशि आती है वह राशि है कुंभ राशि। दोस्तों, कुंभ राशि वालों को बता दें कि भगवान गणेश की कृपा से आपके जीवन में अब खुशियों का भंडार आने वाला है। जी हां दोस्तों, भगवान गणेश आपके ऊपर बेहद प्रसन्न है, आपके जीवन में अब आपको बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है, जिससे आपका जीवन बदल जाएगा। दोस्तों, आपको बता दें, कुंभ राशि वालों, अपने जो भी मेहनत की है उस मेहनत का अब आपको फल प्राप्त होने वाला है, साथ ही साथ जो भी आपके रुके हुए कार्य थे अब सफलतापूर्वक पूर्ण होंगे, और साथ ही साथ जो लोग व्यापार करते हैं उन्हें व्यापार में लाभ मिलेगा, उनका व्यापार दिन दोगुना रात चौगुना तरक्की करेगा, उनको हर तरफ से अब लाभ ही लाभ मिलेगा। कुंभ राशि वालों, अब आपके जीवन में चारों तरफ से खुशियां ही खुशियां आने वाली हैं, भगवान गणेश आपके ऊपर बेहद प्रसन्न है, साथ ही साथ जो लोग नौकरी करते हैं उनको नौकरी में प्रमोशन और वेतन वृद्धि की योग्य बन रहे हैं,
साथ ही साथ जो लोग नौकरी की तलाश में हैं, उनको मनचाही नौकरी भी मिलेगी। साथ ही साथ आपको बता दें, यदि आपका कोई पैसा रुका हुआ है, वह पैसा भी आपको जल्द ही वापस मिलेगा। साथ ही साथ आपके व्यापार में जो भी रुकावटें आ रही हैं, वे रुकावटें खत्म होंगी और आपके जीवन में अब खुशियां ही खुशियां होंगी। कुंभ राशि वालों, आप अपने जीवन में एक नई खुशी का एहसास करेंगे। भगवान गणेश की विशेष कृपा आपके ऊपर कुंभ राशि वालों बन रही है। दोस्तों, इस लिस्ट में जो अगली राशि आती है वह राशि है मीन राशि। दोस्तों, मीन राशि वालों को बता दें कि भगवान गणेश की कृपा से आपके जीवन में अब खुशियों का भंडार आने वाला है। जी हां दोस्तों, भगवान गणेश आपके ऊपर बेहद प्रसन्न है। आपके जीवन में अब आपको बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है, जिससे आपका जीवन बदल जाएगा। दोस्तों, आपको बता दें, मीन राशि वालों, अपने जो भी मेहनत की है, उस मेहनत का अब आपको फल प्राप्त होने वाला है। साथ ही साथ जो भी आपके रुके हुए कार्य थे, अब सफलतापूर्वक पूर्ण होंगे। और साथ ही साथ जो लोग व्यापार करते हैं, उन्हें व्यापार में लाभ मिलेगा। उनका व्यापार दिन दोगुना रात चौगुना तरक्की करेगा। उनको हर तरफ से अब लाभ ही लाभ मिलेगा। मीन राशि वालों, अब आपके जीवन में चारों तरफ से खुशियां ही खुशियां आने वाली हैं। भगवान गणेश आपके ऊपर बेहद प्रसन्न है। साथ ही साथ जो लोग नौकरी करते हैं, उनको नौकरी में प्रमोशन और वेतन वृद्धि की योग्य बन रहे हैं। साथ ही साथ जो लोग नौकरी की तलाश में हैं, उनको मनचाही नौकरी भी मिलेगी। साथ ही साथ आपको बता दें, यदि आपका कोई पैसा रुका हुआ है, वह पैसा भी आपको जल्द ही वापस मिलेगा।